हेलो बच्चों, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रोनाउंस। ठीक है, मैंने आपको नाउंस पढ़ाए थे ना, आज मैं आपको प्रोनाउंस पढ़ाऊंगी। तो प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं अ वर्ड रिप्लेस्ड फॉर अ नाउन इज नोन एज प्रोनाउंस। ठीक है, मीन्स वो वर्ड, जैसे कि जो मैंने आपको नाउंस बताए हैं, ठीक है, वो मैंने आपको जो भी बताए हैं आपने पढ़े होंगे, तो जो वर्ड नाउन के रिप्लेसमेंट में, मतलब उसको नाउन को रिप्लेस करके जिन वर्ड का हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, और एग्जांपल जैसे मैं आपको बताती हूँ कि दिस इज़ माय फादर एंड माय फादर इज़ टॉल, या माय फादर इज़ वेरी टॉल। तो मैंने यहाँ पर माई फादर एंड माई फादर, ये टू टाइम्स यहाँ पर यूज़ किया माई फादर वर्ड। बट अब प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन जब हम यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का क्या काम है कि जैसे मैंने यहाँ पे माई फादर या दिस इज़ माई फादर एंड माई फादर इज़ टॉल ऐसे यूज़ किया। अब प्रोनाउन कौन से होते हैं? प्रोनाउन होते हैं आई, ही, शी, इट, दे। ये सारे होते हैं प्रोनाउंस। अब देखिए, जो मैंने ये सेंटेंस यूज़ किया है वहाँ पर मैंने माय फादर यूज़ किया। अब माय फादर क्या है? नाउन है। ठीक है, अब नाउन को रिप्लेस करके यहाँ पर हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं जो कि होता है ही। ठीक है, ही यूज़ किया। अब क्योंकि ही क्यों यूज़ किया है कि जब हम किसी बॉय या जेंडर, देखिए मेल जेंडर है ना यहाँ पे, तो जब मेल के लिए यूज़ करते हैं वर्ड तो वो होता है ही, एंड फीमेल के लिए यूज़ करते हैं तो करते हैं हम लोग शी। पर्सन जब मेल पर्सन होगा तो वहाँ पर हम लोग ही यूज़ करेंगे, एंड फीमेल पर्सन होगी तो वहाँ पर हम लोग शी वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, तो माई फादर, दिस इज़ माई फादर एंड माई फादर इज़ वेरी टॉल। तो माई फादर की जगह पे हम यहाँ पर ही वर्ड लगाते हैं। तो कैसे? तो दिस इज़ माई फादर एंड ही इज़ टॉल। ठीक है, तो जो ही वर्ड है वो हमने जो नाउन है माई फादर, वहाँ पर हमने ही को रिप्लेस माई फादर को रिप्लेस करके ही प्रोनाउन जो है वो यूज़ किया। ठीक है, तो ये होते हैं प्रोनाउंस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया। अब ऐसे ही जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ कि दिस इज़ माय मदर। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि दिस इज़ माय मदर एंड शी इज़ ब्यूटीफुल, तो जो शी वर्ड है वो क्या हो गया? प्रोनाउन। अब देखिए, ऐसे ही जो आई वर्ड है, जो प्रोनाउन है आई, तो उसे कैसे यूज़ करते हैं? आई हैव अ डॉग। ठीक है, या इट इज़ अ डॉग। ठीक है, अब ही इज़ माई फ्रेंड। इट इज़ यूज फॉर वन एनिमल और थिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे जो एनिमल है काउ, तो उसके लिए हम लोग कैसे यूज़ करेंगे? इट गिव्स अस मिल्क। ठीक है, तो जो काउ है, काउ गिव्स अस मिल्क, ऐसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इट वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो भी एनिमल के लिए भी यूज़ करते हैं इट वर्ड, एंड थिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो थिंग के लिए जैसे कि ट्री है, तो अब ट्री है तो ट्री के लिए इट हैज़ ग्रीन लीव्स। ठीक है, तो थिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं इट, एंड एनिमल के लिए भी इट यूज़ करते हैं। अब देखिए, वी वी इज़ यूज फॉर मोर देन वन पर्सन। दे इज़ यूज फॉर मोर देन वन पर्सन एन एनिमल और थिंग्स। ठीक है, जैसे दे आर ईटिंग ग्रास, दे आर माई ग्रैंड पेरेंट्स। यू यू इज़ यूज फॉर वन पर्सन एंड ऑल्सो फॉर मोर देन वन पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सिंगल पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हमने यू का यूज़ किया। ठीक है, एंड यू ऑल आर माई स्टूडेंट्स, यू ऑल आर माई स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या हुआ? अब स्टूडेंट्स, तो जितने भी स्टूडेंट हैं, वन टू थ्री, या
मोर देन वन पर्सन जो होगा वो प्लूरल नाउन होता है, ठीक है? तो वहां पर भी हम लोगों ने क्या किया, यू का यूज किया है, ठीक है।